हेलो लर्नर्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित दूसरी इकाई की बात करेंगे। इससे पहली इकाई में हमने बात की थी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताओं की, जैसे आर्थिक प्रगति संबंधी विशेषताएँ, कृषि संबंधी विशेषताएँ, उद्योगों संबंधी विशेषताएँ, और हमने उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय भी आपके बीच में रखा था। आज जो हम बात करेंगे, हम दूसरी इकाई की बात करेंगे जिसका नाम है मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या। इसके अंतर्गत हम मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास के बीच में संबंध को जानेंगे, जनांकिकीय विशेषताओं को जानेंगे, उत्तराखंड में लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, जन्म दर व मृत्यु दर के बारे में जानेंगे, और अंत में मानवीय संसाधनों का विकास, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण हेतु अपनाए जा रहे उपायों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या से। देखिए, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उच्च कोटि के मानवीय संसाधन बहुत सहायक होते हैं। यहाँ पर उच्च कोटि से हमारा मतलब पढ़े लिखे, जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसे मानवीय संसाधनों से है। एक क्षेत्र की आबादी इस बात को निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र में कितनी ऐसी वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता है जिससे उस आबादी के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यह आवश्यकताएं खाद्यान्न, आवास, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात व संचार आदि से संबंधित हो सकती हैं। जितनी अधिक आबादी होती है उतनी अधिक वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता भी होती है। वस्तुओं व सेवाओं की संख्या आबादी में बच्चों, जवानों व वृद्धों तथा पुरुषों व महिलाओं की संख्या आवश्यकताओं के ढांचे का निर्धारण करती है। आबादी के बढ़ने पर जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है इसमें या तो बढ़ोतरी हो सकती है या इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विकास की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। अगर हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है तो हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर से कम है तो हमारी प्रति व्यक्ति आय में हमको गिरावट देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कुछ लाभों के बारे में। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे बाजार का विस्तार होता है और आर्थिक विकास में तेजी आती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी जो श्रम शक्ति है ये बढ़ती है और इसके बढ़ने से उत्पादन में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। उचित शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जो हमारे मानवीय संसाधन हैं इनको और कुशल बनाया जा सकता है और जिसके द्वारा आर्थिक विकास और तेज़ी से हो सकता है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की हानियों के बारे में। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारा श्रम बाजार है इसमें श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैल जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन करना पड़ता है और यदि हमारी जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु से अधिक है तो वो विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनांकिकीय विशेषताओं की। वैसे तो हमने ये अपनी जो हमारी पहली इकाई है उसमें हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तराखंड की जनसंख्या की हम बात करते हैं तो वर्ष 2011 में 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या है। अगर वर्ष 2001 और 2011 में उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की दृष्टि से, भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान जो है वो 19वें नंबर पे है। अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही है जिसमें वर्ष 2001 और 2011 के डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डाटा दिखेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें से जो टेबल हमारी होती है इसमें से डाटा कैसे निकालते हैं या मेन पॉइंट जो है उन्हें कैसे हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर के ज़िले जैसे हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। वर्ष 2011 में अगर हम इनका स्थान क्रम देखें तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या हमारी हरिद्वार में है, दूसरे स्थान पे देहरादून आता है, जबकि तीसरे स्थान पे हमारा ऊधम सिंह नगर है। ये हमने यहाँ पे शीर्ष जो तीन ज़िले हैं उसमें हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर आपको दिखेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले जो हमारे ज़िले हैं तो आप देखेंगे रुद्रप्रयाग में ये 13वें स्थान पे आता है, चंपावत जो है ये 12वें स्थान पे है और बागेश्वर जो है ये 11वें स्थान पे आता है। तो निचले तीन जिलों की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है, उसके बाद चंपावत में और बागेश्वर जो है ये सबसे निचले स्थान पे है।
निचले तीन जिलों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुल जनसंख्या से प्रतिशत वाले हिस्से में वर्ष 2011 में आपको दिखेगा कि हरिद्वार में 18.74% जनसंख्या, देहरादून में 16.82% और उधम सिंह नगर में 16.35%। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 51.91% आता है, यानी कि प्रदेश की आधी से अधिक आबादी जो है ये हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर में निवास करती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को छोड़ के सभी 9 पर्वतीय जिलों में रहने वाली जनसंख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में घटा है, जो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण को दर्शाता है। इसके प्रमुख कारणों की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यंत कठिन व विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। यहाँ भूस्खलन व भूक्षरण की अत्यधिक समस्या हमें देखने को मिलती है। पहाड़ों में अच्छे रोजगार व व्यवसाय के बहुत कम अवसर होते हैं। यहाँ कृषि कार्य करना कठिन होता है और उद्योगों की संख्या भी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात, पेयजल आदि सुविधाओं की भी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। गाँव की तुलना में नगरों में अधिक विकसित बाजार होते हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की अधिक सुविधाएँ होती हैं। रोजगार व व्यवसाय के अधिक अवसर होने के कारण जो व्यक्ति हैं ये गांव से नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड व विभिन्न जिलों में वर्ष 2001 व 2011 में जिले की कुल जनसंख्या से नगरी जनसंख्या का प्रतिशत की। तो हम देखते हैं, इसमें आपको उत्तराखंड के जिले दिखाए हैं और 2001 में नगरी जनसंख्या कितनी थी और 2011 में नगरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, ये आपको इस टेबल में दिखाया गया है। ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलेगा कि उत्तरकाशी में वर्ष 2001 में नगरी जनसंख्या 8% थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 7.36% हो रखी है। और चंपावत जो है इसमें वर्ष 2001 में नगरी जनसंख्या 15% थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 14.77% हो रखी है। तो उत्तरकाशी व चंपावत में वर्ष 2001 में वर्ष 2011 की तुलना में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। बात करें हम ग्रामीण जनसंख्या की तो वर्ष 2011 में उत्तराखंड की लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जबकि 30% जनसंख्या जो है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में भी लगभग ऐसा ही कुछ है। भारत में लगभग 68.85% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि 31.15% नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अब हम भारत और उत्तराखंड में धर्म के आधार पर जनसंख्या का कुल से प्रतिशत देखते हैं। आपको उस टेबल में दिख रहा होगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म के अनुयायियों की है, 82.97%। इसके बाद मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं ये 13.95%। इसके बाद सिख धर्म के अनुयायी 2.34% और ईसाई धर्म के अनुयायी 0.37%। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, जिसका प्रतिशत 69.80 है। मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत 14.23 है। ईसाई धर्म के अनुयायी जो हैं वो 2.3% है और सिख धर्म के अनुयायी 1.72% हैं। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। अगर आप उत्तराखंड में वर्ष 2011 में लिंगानुपात के जनपद सह आंकड़ों को नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि अल्मोड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग है, तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल आता है। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरिद्वार में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। पर्वतीय जिलों में प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों की संख्या अधिक होने का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों से पुरुषों का सेना आदि में रोजगार के लिए बाहर जाना है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व जो है ये प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या को दर्शाता है। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून ये तीन शीर्ष जिले हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, और पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ऐसे जिले हैं जहां हमें जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है
कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, अभी हमने अपनी कुछ पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारी जो अत्यधिक हमारी जो 50% जनसंख्या से अधिक है वो इन तीन जिलों में रहती है, और इसीलिए इन तीन जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के अलावा सभी जनपदों में जनसंख्या घनत्व जो है ये राष्ट्रीय औसत से कम देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में जिलेवार प्रभावी साक्षरता दर की। तो अगर हम व्यक्तियों के बारे में बात करें तो देहरादून में 84.2% देखने को मिलता है, और यहाँ पे स्त्रियों का साक्षरता दर जो है वो 78.5% देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग में आप देख रहे होंगे कि सर्वाधिक पुरुष प्रभावी साक्षरता दर आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगी, 93.9%। अगर हम बात करें उधम सिंह नगर की तो यहाँ पे आपको प्रभावी साक्षरता दर जो है ये कम देखने को मिलती है, 73.1%। उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वर्ष 2011 में 78.8% थी, जबकि भारत में जो प्रभावी साक्षरता दर है वो 74.4% है। तो उत्तराखंड में प्रभावी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में कम है। साक्षरता की स्थिति के आधार पर उत्तराखंड पूरे देश में 16वें स्थान पर है। अब हम बात करेंगे जन्म दर और मृत्यु दर की। जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की संख्या को दर्शाता है, जबकि मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या मृत्यु की संख्या का मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या मृत्युओं की संख्या को दर्शाता है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर के तेजी से घटने के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। ऊंची जन्म दर के कुछ प्रमुख कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। विवाह की अनिवार्यता का होना, कम उम्र में विवाह, धार्मिक व सामाजिक कारणों से पुत्र की अनिवार्यता, निम्न जीवन स्तर आदि जो हैं ये ऊंची जन्म दर के कुछ प्रमुख कारण हैं। मृत्यु दर में कमी के प्रमुख कारण उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, जीवन स्तर में वृद्धि, विवाह की आयु में वृद्धि आदि जो हैं इनकी वजह से मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। वर्ष 2020 में उत्तराखंड में हम जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशोधित जन्म दर है और अशोधित मृत्यु दर है ये नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। अब हम बात करेंगे अंत में मानवीय संसाधन के विकास हेतु अपनाए जा रहे उपायों की। तो हम बात करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता में। तो स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रदेश में लगातार विकास किया जा रहा है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनेक निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज आदि प्रकार की जो प्राविधिक संस्थाएं हैं इनकी स्थापना प्रदेश में की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर नज़र डालें तो ग्रामीण जनजीवन को स्वस्थ बनाने के लिए अटल आदर्श ग्राम योजना, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण योजना, आयुष ग्राम योजना आदि प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त BPL परिवारों हेतु नंदा देवी कन्यादन योजना तथा गौरा देवी कन्यादन योजना चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त BPL परिवारों हेतु नंदा देवी कन्या योजना तथा गौरा देवी कन्यादन योजना चलाई जा रही है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण हेतु अपनाए जा रहे उपायों की। तो जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जैसे नसबंदी, लूप निवेशन आदि। वर्ष 2021-22 में नसबंदी कराने वालों की संख्या जो है वो 10,670 थी। लूप निवेशन का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 34,126 थी। CC यूजर्स की संख्या 47,587, जबकि OP यूजर्स की संख्या 24,941 थी। इस सेशन में हमने उत्तराखंड में मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास के बारे में हमने जाना। अगले सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पुस्तक की तीसरी इकाई की, जिसका नाम प्राकृतिक संसाधन है। धन्यवाद।